नमस्कार, विपिन टेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा जानकारी देने जा रहा हूँ। हम बात करने वाले हैं IRCTC से। जब हम लोग ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं, सारा चीज़ हम लोग के सही रहता है जब हम लोग पैसेंजर डिटेल्स में जाते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे कभी कभी हम यहाँ पे इनवैलिड कोच ID यहाँ पे शो होता है और हमारा एरर हो जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके वजह से हम टिकट बुकिंग नहीं कर पाते हैं। पैसेंजर डिटेल्स में आखिर हमारे यहाँ पे क्या ऐसा कमी हो जाता है, क्या हमारा छूट जाता है कि हमारा यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवैलिड कोच ID यहाँ पे लिख रहा है एरर आके। चलिए हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसेंजर डिटेल्स में नाम वाम हमारा सब चीज़ सही है, फिर भी हमें यहाँ पे ऐसा यहाँ पे क्यों शो हो रहा है। पेमेंट मोड भी हम यहाँ पे सही सिलेक्ट किए हैं, रिजर्वेशन जो यहाँ पे चॉइस इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेवल इंश्योरेंस होता है इसको भी हम सही से सेलेक्ट कर चुके हैं, फिर भी हमें यहाँ पे ऐसा क्यों शो हो रहा है। वीडियो हमें आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा बैक होना होगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो चलिए हम फटाफट बैक हो जाते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि IRCTC को हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां पे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। बुक टिकट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर में हमें स्टेशन को सिलेक्ट करना होता है, जहां से जहां हमें जाना होता है। हम स्टेशन को सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस डेट में आप जाना चाहते हैं उस डेट को आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं। सर्च ट्रेन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस डेट में जितने सारे यहाँ पे ट्रेन होते हैं, सारा ट्रेन यहाँ पे शो हो जाता है उनका लिस्ट। तो हमें स्लीपर को बुकिंग करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करेंगे। स्लीपर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होगा उसका शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि RAC चल रहा है। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे एक अवेलेबल सीट है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से कन्फर्म करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने मास्टर लिस्ट ऑलरेडी बना के रख चुका है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन का डिटेल्स है, टाइम टेबल सारा है। इसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का नाम है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है, हमने यहाँ पर पेमेंट मोड के यहाँ को सिलेक्ट कर लिया है टिकट बुकिंग करने के लिए। इसके बाद हमें आपसे ट्रेवल जो इंश्योरेंस होता है इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं, इससे हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम रेडी हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करके। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे हम जैसे ही क्लिक किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर आ गया, इनवैलिड ID कोच लिख रहा है। दोस्तों, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे हमें क्यों शो हो रहा है। दोस्तों, सारा चीज़ तो हम यहाँ पे सही है, अगर हम ये दो ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करते हैं फिर भी हमारा टिकट बुकिंग हो जाता है, जो अदर प्रीफ्रेंस के यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए हम यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ से VMUPI को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं, पेमेंट मोड को। इंश्योरेंस भी हमारा सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर भी हमारा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवैलिड कोच ID यहाँ पे शो रहा है। अदर प्रीफ्रेंस के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दो वर्ड जो लिखा हुआ है दोस्तों, यही वर्ड हमें प्रॉब्लम कर रहा है। इंटर प्रीफेयर जो कोच नंबर होता है दोस्तों, ये हमें खाली होना चाहिए या फिर हमें सिर्फ कोच नंबर ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्लीपर का बुकिंग कर रहे हैं तो जैसे S1, S2, S3, S4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अगर आप AC में अगर आपको सीट चाहिए तो आप जो AC का होता है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे S4 में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो हमें यहाँ पे S4 में हमें यहाँ पे सीट मिलेगा। S4 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया तो हमें यहाँ पे S4 में हमें सीट मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स पे क्लिक करके देखते हैं। रिजर्वेशन डिटेल्स पे जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, लेकिन पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पे जो पहले दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड था, यानी ABCD चाहे अंक का जो भी एक वर्ड हो जो इससे मैच नहीं करे, अगर वो आपको यहाँ पे अगर लिखता है तब जा करके यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आता है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। अगर आपके में भी अगर आपको इनवैलिड ID कोच अगर एरर आके लिखता है तो आप यहाँ पे देखें अदर प्रेफरेंस में जो सबसे नीचे देखें कि यहाँ पे कोई वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई यहाँ पे वर्ड है टाइप किया हुआ तो आप इसको हटा लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको हटा लें, वो सही बेहतर रहेगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे S1, S2, S3 अगर ऐसे करके डाल दें तो अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपका जो सीट होता है S1, S3 जो आप सिलेक्ट करके रखेंगे उसी में आपको टिकट बुकिंग होता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।